नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी हम सभी जो है लाडली बहना योजना अंतर्गत जो है 450 रुपये में गैस सिलेंडर रिफिल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो उससे संबंधित दोस्तों हमें यह जिज्ञासा रहती है कि हमारी ग्राम पंचायत में कितने जो है फॉर्म भरा चुके हैं, पूरी जानकारी, संख्यात्मक जानकारी किस तरह से हमारे कितने फॉर्म अभी भरा चुके हैं, तो वो सब जानकारी की रिपोर्ट हम किस तरह से देख सकें, तो वो आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। और बाकी के वीडियोज़ भी आप मेरा जो पॉडकास्ट बना हुआ है लाडली बहना योजना का और जो प्लेलिस्ट बनी उसमें देख सकते हैं आसानी से। और हर अपडेट से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल तो आप सभी को पता ही है, cmlaadlibehna.mp.gov.in। ठीक है, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो है इस तरह से होम पेज आ जाता है। दोस्तों अभी हम सीधे चलेंगे विभागीय लॉगिन पर। कहाँ चलेंगे? विभागीय लॉगिन। ठीक है, इस पर हमें क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद न्यू विंडो ओपन होगी। इस तरह से जाएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना विभागीय यूज़र लॉगिन। पहला ऑप्शन रहता है वार्ड ग्राम पंचायत, दूसरा है अन्य यूज़र। तो अभी हमें रिपोर्ट देखने के लिए क्लिक करना है अन्य यूज़र पर। यहाँ क्लिक करना है, यूज़र नेम पासवर्ड आपका ग्राम पंचायत का ही रहने दें। कृपया चुने में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत। ठीक है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड ग्राम पंचायत का ही डाल दें और फिर कैप्चा कोड यहाँ लिखें। इसके बाद लॉगिन करें पर क्लिक करें। ये क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई है। मैं आपको इस पर भी सारे वीडियोस बनाकर बताते रहता हूँ। तो दोस्तों इसमें अब हमें चलना है, जो अभी हम जो कार्य देखना चाह रहे हैं, हमें चलना है रिपोर्ट से वाले सेक्शन पर। ठीक है, रिपोर्ट वाले ऑप्शंस पर चलना है। तो रिपोर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे कि सबसे ऊपर रिपोर्ट सूची में आ जाएगा गैस सब्सिडी योजना 2023 पंजीकृत आवेदन रिपोर्ट। ठीक है, तो अभी तक ये ऑप्शन नहीं था, अब आ गया है। चूँकि अब गैस सब्सिडी योजना 450 रुपये में गैस सिलेंडर जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए जो हम आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज, प्रत्येक वार्ड कार्यालय वाइज यहाँ जो है अपन जानकारी मिल जाएगी। गैस सब्सिडी योजना 2023 पंजीकृत आवेदन रिपोर्ट। पहला है ग्राम पंचायत जोन पंजीयन रिपोर्ट, इस तरह से यहाँ से दिख सकती है ना। दूसरा है ग्राम वार्ड पंजीयन रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं चलिए एक पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करके देता हूँ, ग्राम वार्ड पंजीयन रिपोर्ट। इस पर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो कुछ क्षणों के इंतजार के पश्चात यहाँ लिखा आएगा 450 गैस सब्सिडी तो ग्राम वार्ड पंजीयन रिपोर्ट। संभाग, जिला, स्थानीय निकाय बाय डिफॉल्ट रहेगा जिससे आपने लॉगिन करा है। ग्राम पंचायत जोन यदि आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से एक एक कर देख लें अपनी ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद ग्राम वार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि सभी की रिपोर्ट चाहते हैं आप पूरे अपने ब्लॉक में, जनपद में, तो आप खोजे पर सीधे क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही हम क्लिक कर देंगे खोजे पर तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्रमांक संख्या, संभाग, जिले का नाम, स्थानीय निकाय है ना, जनपद पंचायत या नगरी निकाय का नाम, ग्राम पंचायत जोन। ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। ग्राम पंचायत में भी ग्राम जो हैं उन सभी ग्रामों के आएंगे। जैसे ये मान लीजिए ये ग्राम पंचायत है, इसमें दो गाँव हैं तो दोनों गांवों के यहां पर दिख रहे हैं। प्रत्येक ग्राम वाइज रिपोर्ट हमें मिलेगी। अब यहां ध्यान से देखिए, कुल प्राप्त आवेदन, कुल प्राप्त आवेदन कितने हैं, है ना। जैसे मैं एक इसका दिखा देता हूं, कुल प्राप्त आवेदन जैसे ये चार दिख रहे हैं, लाडली बहना और उज्ज्वला दोनों योजनाओं में पंजीकृत कुल आवेदन। ठीक है, यदि दोनों में कोई पंजीकृत आवेदन है, दोनों योजना में है, वो लाडली बहना में भी उनका रजिस्ट्रेशन है और उज्ज्वला योजना में, तो यहाँ इस तरह से दिखेंगे। जैसे यहाँ एक में दो दिख रहा है ना, नहीं है तो जीरो दिखेगा। ठीक है, लाडली बहना पंजीकृत लेकिन उज्ज्वला योजना में पंजीकृत नहीं कुल आवेदन, तो वो यहाँ दिखेंगे। मतलब ये आवेदन वो रहेंगे जिसमें लाडली बहना में पंजीकृत है लेकिन उज्ज्वला योजना में पंजीकृत नहीं है, तो वो आवेदन यहाँ दिखेंगे। इसके बाद है लाडली बहना में पंजीकृत नहीं लेकिन उज्ज्वला योजना में पंजीकृत,
लाडली बहना पंजीकृत नहीं है लेकिन उज्ज्वला योजना में पंजीकृत है, तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जैसे ये ग्राम पंचायत में यहाँ दिख रहा है जो कि केवल उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं, लाडली बहना में नहीं है, तो वो रिपोर्ट भी दिखेगी। इसके बाद है उज्ज्वला योजना में पंजीकृत नहीं ना लाडली बहना में पंजीकृत कुल आवेदन, तो ये तो जीरो ही रहेंगे क्योंकि जब यदि लाडली बहना कोई दो ही योजना के लिए जो है आवेदन हो रहे हैं या तो उज्ज्वला योजना या लाडली बहना के लिए, अब दोनों में ये नहीं होंगे तो पंजीकृत कुल आवेदन जीरो रहेंगे। ठीक है, लाडली बहना योजना अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन, ठीक है, लाडली बहना योजना अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन कितने हैं केवल लाडली बहना योजना अंतर्गत, तो वो यहाँ देखेंगे जिनका केवल लाडली बहना में पंजीकृत पंजीयन है तो वो यहाँ संख्या दिखेगी। फिर अब गैस वाइज भी अलग अलग है एजेंसी वाइज, IOCL गैस एजेंसी के अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन, तो IOCL जो गैस एजेंसी है उसके प्राप्त आवेदन कितने हैं तो यहाँ पर अलग दिखेगा, किसी में यदि वहाँ पर कनेक्शन IOCL का नहीं है तो जीरो दिखेगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर है BPCL गैस एजेंसी के अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन, तो BPCL गैस एजेंसी के अंतर्गत जो प्राप्त आवेदन है वो यहाँ पर देखेंगे, तो BPCL गैस एजेंसी के अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत वाइज और ग्राम वाइज है ना। इसके बाद है HPCL गैस एजेंसी के अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन, HPCL गैस एजेंसी के अंतर्गत कुल प्राप्त आवेदन जो रहेंगे वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक गैस एजेंसी वाइज भी यहाँ पर रिपोर्ट दिखेगी, तो पूरी रिपोर्ट दिखेगी, जैसे एक पंचायत में बहुत अच्छा काम हो चुका है तो यहाँ देखिए पूरी बहुत अच्छी रिपोर्ट दिख रही है, तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम है, यहाँ टोटल भी दिखेगा, अभी जैसे 21 यहाँ इस ब्लॉक में 21 ग्राम पंचायत अभी ने अभी करा है काम, तो ये पूरी योग भी दिख रहा है, ऐसे यहाँ 200 टोटल है ना, यहाँ 186, यहाँ 12, ऐसा पूरा टोटल आखिरी तक दिखते रहेगा। तो ये पूरी रिपोर्ट है दोस्तों, इसी को अभी संख्यात्मक रिपोर्ट है, फिर थोड़े दिन बाद जो है ये नाम वाइज रिपोर्ट आने लगेगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी संख्यात्मक आप देख सकते हैं, इसी का आप कॉपी कर सकते हैं, CSV फाइल एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, PDF फाइल में सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर किसी ग्राम पंचायत इनका देखना है तो आप यहाँ से सीधे ग्राम पंचायत भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें एक ग्राम पंचायत का आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल आप ग्राम पंचायत का भी देख सकते हैं। ठीक है, खोजे पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा पर्टिकुलर ग्राम पंचायत वाइज, वही सब ऑप्शंस वो पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में कितने कितने रजिस्ट्रेशन हुए वो सब यहाँ पर दिखने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसका पहला ऑप्शन दिखा देता हूँ, हम रिपोर्ट पर चलते हैं। रिपोर्ट के बाद गैस सब्सिडी योजना 2023 पंजीकृत आवेदन रिपोर्ट ग्राम पंचायत जोन पंजीयन रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वही ऑप्शन आएगा, 450 रुपये गैस सब्सिडी टू ग्राम पंचायत जोन पंजीयन रिपोर्ट, तो इसमें आपको सीधे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। ये करा आपने, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, खोजे पर क्लिक कर दिया, जैसे ही खोजे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये भी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी सेम वैसे ही जैसे अभी हमने देखी, इस तरह से पूरी आपकी जो है रिपोर्ट आ जाएगी है ना, ग्राम पंचायत वाइज डायरेक्ट आ जाएगी, आप इसको प्रिंट PDF एक्सेल सभी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह पूरी प्रोसेस है। अभी जो है हमारी जो है कितने नंबर अभी मतलब आवेदन आए हैं न्यूमेरिक पूरी रिपोर्ट देखने की, कि इस ग्राम पंचायत में इतने आवेदन आ गए हैं, इस ग्राम पंचायत में इतने आवेदन, पूरी एक एक एजेंसी वाइज भी पूरी दिख रही है हमको, सारी रिपोर्ट दिख रही है। इसके बाद नाम वाइज भी आई, कितने हमने जो आवेदक के नाम के सहित आएगी रिपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी इतनी रिपोर्ट आप अपनी देख सकते हैं, तो और भी जानकारी के लिए दोस्तों अपडेट रहने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप यदि और डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो ज्वाइन कर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं UPI के माध्यम से, ऑल पोर्टल कोर्स की, और कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।